हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज जो है ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ की लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। मैग्नेटिज्म पे 2 लेक्चर्स होंगे, ये आज का पहला लेक्चर है। तो आज हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है, डायनमो थ्योरी क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने डायनमो थ्योरी की बात की थी, तो आज देखेंगे डायनमो थ्योरी क्या होती है, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, रिवर्सल कैसे होता है मैग्नेटिक पोल्स का, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फील्ड, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी एक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या किसी भी फोर्स के फील्ड की बात करें, तो कोई फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई भी वस्तु किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि बाकी बॉडीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अगर मान लीजिए एक यहाँ पर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब बी अगर ए के आसपास आकर के कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो बी जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में आ गई है, तो इस एरिया को हम फील्ड कहते हैं। फील्ड कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर बॉडी को फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है कि दो आपकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच में अगर कोई बॉडी आ गई, छोटी बॉडी आ गई, तो वो जब ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करती है, जब वो फोर्स को एक्सपीरियंस करती है सेलेस्टियल बॉडीज़ की वजह से, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बॉडी, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से, अगर ऑब्जेक्ट्स जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई बॉडी आ जाती है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटरमाइन कर सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग इलेक्ट्रिक और चार्ज को मतलब ये किस तरह से एग्जर्ट होगा, या कभी कभी मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की जो मूवमेंट होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम फील्ड में देखते हैं कि फील्ड में क्या आता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एक सिंपल बार मैग्नेट के फील्ड की बात करें, तो आपने बचपन में इस तरह की लाइंस बनाई होंगी। 6th-7th में हम बनाते थे, हम एक बार मैग्नेट लेते थे और ये हम इस तरह की लाइंस बनाते थे। तो ये जो लाइंस हैं, अगर बॉडी इस एरिया के आसपास आती है, तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो अगर मैग्नेट्स आ गई, बार मैग्नेट, अब नॉर्थ और साउथ पोल है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एकदम पास आ जाएंगी। नॉर्थ पोल को अगर आप नॉर्थ पोल के सामने कर देंगे, तो दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, इसीलिए दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से थोड़ी सी दूर चली जाएंगी। तो ये हमारा जो है फील्ड हो गया बार मैग्नेट का। अब डायनमो थ्योरी की बात करते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो डायनमो थ्योरी ये एक मैकेनिज्म जो है प्रपोज करती है, जिसके माध्यम से सेलेस्टियल बॉडी का मतलब कोई भी अगर हेवनली बॉडी है, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो डायनमो थ्योरी ये प्रपोज करती है कि एक मतलब मैकेनिज्म प्रपोज करती है जिसके तहत सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि अर्थ या कोई स्टार मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और उसको सस्टेन करता है बड़े टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड को हम एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल कहते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक फैला होता है। डायनमो थ्योरी कहती है कि कन्वेक्शन होता है आउटर कोर में, और ये जब कंबाइन कर दिया जाए कोरिओलिस इफेक्ट्स के साथ, तो इससे जो है सेल्फ सस्टेनिंग या जियोडायनमिक अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है। तो अब कोरिओलिस फोर्स क्या होती है, कोरिओलिस इफेक्ट क्या है। मान लीजिए आप एक रोटेटिंग स्टेज पर हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और ये स्टेज रोटेट कर रहा है, तो अभी मेरी पोजीशन ए है, एक सेकंड के बाद मेरी पोजीशन मान लीजिए बी हो जाती है, फिर सी हो जाती है। अब जब मैं ए पोजीशन पे हूँ, तो मैंने सीधी डायरेक्शन में एक बॉल फेंकी और उस बॉल को इधर रीच करना चाहिए, ठीक है, बॉल यहाँ पर रीच करेगी एक्स पर। पर अब मैं पोजीशन किस पे आ गई हूँ, बी पे, तो मैं थोड़ा सा फील करूँगी कि मैंने तो सीधा फेंका हुआ था, पर जो है टिल्ट हो गया है। तो इस टिल्ट को हम कोरिओलिस फोर्स का इफेक्ट, कोरिओलिस इफेक्ट बोलते हैं। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो सीधी ना जा करके थोड़ी सी टिल्ट हो जाती हैं, और इसी टिल्ट को जो है हम कोरिओलिस इफेक्ट का नाम देते हैं। देखिए, हमने कल भी बात की थी कि हमारी जो एक आपकी फिज़िक्स की थ्योरी होती है, जो कहती है कि कोई भी बॉडी अपने अगर मोशन में है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कंटिन्यू करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन बॉडी कंटिन्यू कर रही थी, रोटेशन की वजह से क्या हुआ, बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो गई। बॉडी के टिल्ट को हमने किस फोर्स का नाम दिया है, ये जो रोटेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुई है उसको हमने कोरिओलिस फोर्स नाम दिया है, और इस इफेक्ट को हम कोरिओलिस इफेक्ट कहते हैं। तो डायनमो थ्योरी ये
सजेस्ट करती है कि कन्वेक्शन प्लस कोरियोलिस इफेक्ट के होने से हमारी जो है सेल्फ सस्टेनिंग जियोडायनामिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसीलिए सालों साल तक ग्रेविटी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो अब आपके मन में दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोरियोलिस इफेक्ट प्लस आपका कन्वेक्शन किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के आउटर कोर में जनरेट होता है। ये चीज़ हमने कल वाले लेक्चर से एस्टैब्लिश कर ली थी। लोअर प्रेशर अगर इनर कोर में है, इसका मतलब ये है कि मेटल जो आउटर कोर में है वो फ्लूइड होता है, और आपका जो लोअर प्रेशर होता है आउटर कोर में इनर कोर के कंपैरिजन से। तो आउटर कोर आपका जो है लिक्विड है और इनर कोर आपका सॉलिड है। अब टेम्परेचर जो डिफरेंस है दोनों में, आउटर कोर और इनर कोर में ऑलमोस्ट 2000 डिग्री के आसपास होता है। आउटर कोर में 4400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इनर कोर में जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री के आसपास है। अब लिक्विड में कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन का मतलब कि लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट सोर्स के पास आते हैं, हीट सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करके वो दूर चले जाते हैं, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो हीट सोर्स जो है आपका, उसमें इनर कोर में जो हीट सोर्स है उसमें क्या होगा, कंप्रेशन की वजह से हीट का सोर्स हो जाता है। उसके अलावा यहाँ से हमने देखा था कि लेटेंट हीट जो है रिलीज़ होती है, तो ये आपका एक सोर्स हो गया हीट का। उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम और जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं वो अर्थ के इंटीरियर में बरीड है, तो उनकी रेडियो एक्टिविटी प्लस हमारी लेटेंट हीट के रिलीज़ होने से टोटल जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इनर कोर में। तो इनर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आउटर कोर में थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। डिफरेंस जो टेम्परेचर का है, प्रेशर का डिफरेंस और कॉम्पोजिशन की डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट जो है जनरेट हो जाते हैं। तो मॉल्टन स्टेट में आयरन होने की वजह से जो आयरन के जो एटम्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सोर्स के पास आते हैं, मतलब कि इनर कोर के पास आते हैं। इनर कोर से वो हीट को एब्जॉर्ब करके दूर चले जाते हैं। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहती है, ये साइकिल एक तरह से चलती रहती है और इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब जब ये लिक्विड आयरन है फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। कोई भी आपका जो मेटल बॉडी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए तो हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। यही एक प्रोसेस है जो बैटरीज वगैरह में वर्क करता है। तो इसके मूवमेंट से, कंटिन्यूस मूवमेंट से आयरन के इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है अपने फिजिक्स की क्लासेस में, बचपन में जब आपने फिजिक्स की क्लासेस पढ़ी होंगी तब हमने बात की थी कि जब एक किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक लाइंस एक बार मैग्नेट की तरह जनरेट हो जाती हैं। तो करंट के फ्लो होने से, करंट के प्रवाहित होने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो जब लिक्विड आयरन फ्लो करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जब कंटिन्यूस मूवमेंट होता है आयरन का, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि पहली चीज़ हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना। आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से जो आसपास के एटम्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे और वो अपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो चार्ज मेटल जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होते हैं वो अपना जो है वो खुद के जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर लेंगे, और इसी से जो है साइकिल कंटिन्यू होती है और सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन जाएगी। मतलब कि एक पार्टिकल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से आसपास के पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिज्म को बर्थ मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं इस एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट कर लेंगे। अब क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है, रोटेट होने से क्या होगा कि इनका जो है अलाइनमेंट हो जाता है। तो रोटेशन की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये सारे जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, और अलाइन करने की वजह से ये बहुत बड़ा जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंबाइंड होकर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को जन्म देगा। स्पायरल मूवमेंट ये चार्ज पार्टिकल्स का, इससे क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से स्पायरल मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि सेपरेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो रफली अलाइन हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में, और उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा इससे एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जो प्लानेट का बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसी को हम ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा
ये सॉलिड आउटर कोर है, ये आपका लिक्विड इनर कोर है। यहाँ से कंटिन्यूसली पार्टिकल्स आ रहे हैं और हीट को एब्जॉर्ब करके वापस चले जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूस मूवमेंट है। इस कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगा, और साथ साथ रोटेशन होने की वजह से एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के आसपास जनरेट हो जाता है सारे पार्टिकल्स के अलाइन होने से, और इसी को हम ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होती हैं, एक सिंपल बार मैग्नेट पे हम जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखते हैं, तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की तरफ जाता है। तो हम जब लाइंस बनाते थे ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अब अर्थ को भी हम अगर एक बड़ी मैग्नेट के रूप में देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा। तो ऑपोजिट पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल के मतलब साउथ पोल के पास होगा। तो हमारा जो अर्थ का हमने साउथ पोल देखा उसके पास हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, और हमारा जो नॉर्थ पोल है उसके पास हमारा अर्थ का जो है मैग्नेटिक साउथ है। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो इस तरह से नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेती है, क्योंकि ये अर्थ का साउथ पोल है और ये अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस तरह से आप एज्यूम कीजिए, अगर ये अर्थ का साउथ पोल है तो इससे हमारी बार मैग्नेट नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगी, और ये अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है तो इससे हमारी बार मैग्नेट साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगी। तो ऑपोजिट आपको क्या देखना है, हमारे ज्योग्राफिकल पोल से ऑपोजिट जो है हमारा मैग्नेटिक पोल होता है। मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड मतलब कि सिंपल नॉर्थ साउथ जो फील्ड होता है बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो मैग्नेटिक लाइंस जैसे एक बार मैग्नेट में वर्क करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे ही अर्थ में जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, और इसीलिए आपका जो और अगर इसकी अलाइनमेंट देखें तो हमारे जो अर्थ का रोटेशन एक्सिस है, तो अर्थ रोटेट करती है अपनी धुरी पर एक्सिस पर, तो अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है इसी के आसपास हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक एक अगर बार मैग्नेट के रूप में देखें तो इसी के आसपास ही हमारी मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो लाई करती हैं, और क्योंकि इसके आसपास हमारी मैग्नेटिक पोल्स लाई करती हैं इसीलिए कंपास हमारा काम कर पाता है। डाइपोल जो फील्ड है वो रिवर्स हो जाता है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद, और ये सिर्फ अर्थ के लिए ट्रू नहीं है, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज में भी ऐसा होता है। ये जो हमने नॉर्थ साउथ का अलाइनमेंट देखा, मतलब अभी शुरू में क्या है, साउथ आपका नॉर्थ पोल की तरफ है और नॉर्थ आपका जो है साउथ पोल की तरफ है, कुछ सालों के बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स मतलब वो एक लंबा टाइम पीरियड होता है अर्थ पे। सन की अगर बात करें तो सन का जो मैग्नेटिक स्फीयर पोल्स होती हैं वो 11 साल में ऑपोजिट हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। अर्थ पे इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो ये रिवर्सल होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है रिवर्स हो जाते हैं, मैग्नेटिक जो पोल्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, और इसको इससे क्या होगा, आपका जो आपकी मैग्नेट बार मैग्नेट की पोजिशन होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो अब देख लेते हैं जियोमैग्नेटिक रिवर्सल क्या होता है। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल और या फिर रिवर्सल इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें पोजीशंस जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या इस्टेब्लिश किया था कि अगर ये हमारी एक्सेस है और अर्थ का कोर को अगर हम एक बार मैग्नेट की तरह देखें, तो अगर हम जैसे हम बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल डिटरमाइन करते हैं तो ये अर्थ का साउथ पोल हो गया, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया। कुछ सालों के बाद ये रिवर्स हो जाता है, मतलब जब ये रिवर्स मैग्नेटिक रिवर्सल हो जाएगा तब हमारा जो ट्रू नॉर्थ है और हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो सेम हो जाएगा, और ट्रू साउथ और मैग्नेटिक साउथ सेम हो जाएगा। अब इसको हमने जो है ये हमें कैसे पता चला कि रिवर्सल होता है, हमने बहुत सारे जो है पैलियो मैग्नेटिज्म स्टडी की थी, मतलब कि रॉक्स में मैग्नेटिज्म को स्टडी किया था, और हमने ये पाया था कि कुछ सालों के बाद रॉक्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, और रॉक्स का मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमें ये पता चला कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ टाइम पीरियड के बाद चेंज होता रहता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि पिछले 20 मिलियन सालों में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर 2 लाख या 3 लाख साल के आसपास फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिवर्सल जो है उतना पीरियोडिक नहीं है जितना सन का होता है, सन में जो रिवर्सल है ये हर 11 साल होता है, तो और अर्थ का जो रिवर्सल है वो 2 लाख से तीन लाख साल लगते हैं। इसीलिए जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो हम अपने मैग्नेटिक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है हमेशा ऊपर दिखाते हैं, साउथ पोल हमेशा नीचे दिखाते हैं, मतलब 2 से 3 लाख साल में ये मैग्नेटिक जो आपका पोल का अलाइनमेंट होगा वो भी पार मैग्नेट का चेंज हो जाता है, पर हम वो नहीं पढ़ते क्योंकि हमारी लाइफ टाइम में ऐसा चेंज नहीं होगा। इस चेंज में ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख साल लगते हैं। तो जब भी आपका जो है मैग्नेटिक पोल रिवर्स होता है वो ऑड लैटिट्यूड पर इमर्ज होता है, तो इवन लैटिट्यूड्स पे इमर्ज नहीं होगा, वो ऑड लैटिट्यूड्स पे इमर्ज होगा।
अब देखिए ये आपका जो है एक नॉर्मल फील्ड है जहाँ पे हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि अर्थ हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक साउथ है और अर्थ के साउथ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो हमने ये भी देखा था कि इन लाइन्स जो है मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये आपका है नॉर्मल जो है अभी आज के टाइम में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। जब रिवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पे अर्थ का जो है नॉर्थ पोल हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और हमारा ट्रू नॉर्थ सिमिलर डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नेटिक साउथ और हमारा जो अर्थ का साउथ पोल है वो भी सिमिलर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो फील्ड लाइन्स होंगी वो ऑपोजिट हो जाएंगी, बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। इसको हम रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन से हमें ये समझ में आ गया है कि नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो घूमते रहते हैं। पहले वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कुछ सालों के बाद फिर वो साउथ में आ जाएंगे, फिर वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, फिर वो साउथ में आ जाएंगे। तो इसको जो है हम एक पोलार शिफ्ट थ्योरी कहते हैं। इस मूवमेंट को नॉर्थ और साउथ पोल के रिवर्सल को हम पोलार शिफ्ट थ्योरी कहते हैं, जिससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। फिलहाल जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो 86 डिग्री नॉर्थ 172 डिग्री वेस्ट में लाई करता है। ये कहाँ पे लाई करता है ये इम्पॉर्टेंट है, लैटिट्यूड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये लाई करता है एलिस मेयर आइलैंड में जो नॉर्दर्न कनाडा में स्थित है और बहुत तेज़ी से ये ड्रिफ्ट हो रहा है साइबेरिया की तरफ। साउथ पोल मैग्नेटिक पोल की अगर बात करें तो ये एंटार्क्टिका के कोस्ट के आसपास है और ऐसा भी हो सकता है कि एंटार्क्टिक सर्किल के भीतर हो। साइंटिस्ट जो है ये सजेस्ट करते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल माइग्रेट करता है 10 किलोमीटर हर साल। तो धीरे 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 वो शिफ्ट करता रहता है, 10-10 किलोमीटर बढ़ते हुए कनाडा से साइबेरिया की तरफ वो मूव कर रहा है। स्पीड जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट हुई है और पहले जो है इसका मूवमेंट 10 किलोमीटर पर आवर था, पर पिछले कुछ सालों में 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो है इस मूवमेंट की जो शिफ्ट है वो देखा गया है। और ये माना जाता है कि साइबेरिया पहुंचने में नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कुछ दशक ही लगेंगे। अब देखिए अर्थ कोई एक सॉलिड पूरी तरह से तो है नहीं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है और इसीलिए आपकी जो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एंटीपोडल नहीं है। एंटीपोडल का मतलब जैसे हम एक स्ट्रेट बार मैग्नेट में स्ट्रेट लाइन देखते हैं जहाँ पे यहाँ नॉर्थ पोल होता है यहाँ साउथ पोल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पोल्स लाई करते हैं मैग्नेटिक, ऐसा अर्थ के साथ नहीं है। अर्थ का नॉर्थ पोल और अर्थ का साउथ पोल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करता। अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का जो साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं इनको हम मैग्नेटिक डिप पोल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिप आता है, थोड़ी सी चेंज आती है, मतलब सीधी लाइन नहीं होती, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ी सी डिप्ड है लाइन और इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक डिप पोल कहते हैं। अब कॉम्पास क्या है ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ था। कॉम्पास जो है मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट करता है क्योंकि सभी मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो है एक मैग्नेट का वो दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। अर्थ क्योंकि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है इसीलिए वो बाकी मैग्नेट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे कि बाकी मैग्नेट्स का जो नॉर्थ है अर्थ के साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाए। तो इसको जो है इसीलिए काम में हम कॉम्पास इसीलिए हम यूज़ करते हैं। कॉम्पास क्या करता है अर्थ के साउथ पोल के साथ अपने नॉर्थ पोल को अलाइन कर देता है और हमें जो है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है और इसीलिए इसको हम एक नेविगेशन टूल के रूप में यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में जब इतने अच्छे एडवांस जो है आप हमारी वो नहीं थी टेक्नोलॉजी, तब नेविगेशन के लिए मैग्नेटिक कॉम्पास का यूज़ करके ही डायरेक्शन सेलर्स डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे और उसी डायरेक्शन में सेल करते थे। बट ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली हमेशा जो है नॉर्थ की तरफ ही एक पॉइंट करेगा, क्योंकि हम ये देख भी चुके हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं होता। तो मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ का यहाँ पे लाई करता है ना साउथ पोल के आसपास, और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ लाई करता है। तो इसीलिए ये हमेशा एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं शो करेगा, बट हमारे नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें और कॉम्पास की बात करें तो अर्थ जो है हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ कॉम्पास जो है पॉइंट करता है। तो इसीलिए ये अच्छा एक टूल होता है जिससे कि हम अपनी पोजीशंस को नेविगेट कर सकें। अब नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल जो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में होता है उसको हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। ये पॉजिटिव होगा अगर इसकी वैल्यू जो है ईस्ट ट्रू नॉर्थ की ईस्ट की तरफ से आप डिटरमाइन करेंगे, और अगर आप वेस्ट की तरफ से डिटरमाइन करेंगे तो ये जो है आपका नेगेटिव लाई करेगा। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए
सो गाइज, हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर रहे थे. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब होता है रियल नॉर्थ पोल से, जो हमारी एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उससे हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कितनी दूरी पर लाई करती है, उसको हम जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं. तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की अगर हम ये जो बात करें ना, जो बार मैग्नेट में दिखाई देती है उस वाले नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है उसको हम डिक्लिनेशन बोलते हैं. अब अगर ये राइट साइड होगा, ईस्ट साइड होगा, मतलब ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके इधर ईस्ट साइड है, तो ये पॉजिटिव डिक्लिनेशन हुई. और अगर इसके वेस्ट साइड जाती है तो ये हमारी नेगेटिव डिक्लिनेशन होगी. ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है. तो इसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं. तो कई सब अगर हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की बात करें, इसको मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इसको हम डिप एंगल भी बोलते हैं. तो अभी हमने डिक्लिनेशन में क्या देखा था, डिक्लिनेशन में देखा था कि कितना जो है आपकी मैग्नेटिक कॉम्पास वाली जो नीडल है वो आपके ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं. अब मैग्नेटिक इंक्लिनेशन थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है. ये देखिए मैग्नेटिक नीडल है, दोबारा हम जो है नॉर्थ साउथ बना देते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल है, और हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल अपना खींचा हुआ है मैग्नेटिक लाइंस के का जो एक हॉरिजॉन्टल फील्ड हो, मैग्नेटिक लाइंस आपको पता है हॉरिजॉन्टली जाती हैं. तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल से कितना आपका मैग्नेटिक कॉम्पास कितना एंगल बनाएगी, उस एंगल को जो है मैग्नेटिक डिप कहा जाता है, या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहा जाता है, ठीक है. तो सिंपल टर्म्स में जब वर्टिकल से जो है एंगल बनता है आपके कॉम्पास का, तो वर्टिकल से एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल से एंगल को हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं. तो आज की लेक्चर सीरीज़ में इतना ही. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें youtube.com/c/civilstayariofficial. टेलीग्राम चैनल को आप PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं t.me/civilstayari. हमारा ग्रुप भी है t.me/civilstayari group, तो वहाँ पर भी आकर के आप अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं. उसके अलावा हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम मैप सीरीज़ जो है शुरू कर रखी हमने, और हम जो है एक पूरी कंप्लीट मैप सीरीज़ वहाँ पे भी चालू करने वाले हैं. अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें फेसबुक पर भी शेयर की जाती हैं. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे.